सरगुजा जिले में अजब गजब मामले सामने आते हैं। कभी किसी का चहेता बकरा चोरी हो जाता है तो कभी किसी का मुर्गा। ताजा मामला मुर्गा चोरी का सामने आया है। मुर्गा भी सामान्य नहीं था। बेटे की शादी के लिए मजार में मांगी गई मन्नत के लिए उसे 4 साल पाला गया था। रघुनाथ थाना क्षेत्र निवासी फहीमुद्दीन ने SP कार्यालय में चोरी की शिकायत की। उसने मुर्गा चोरी का आरोप अपने पड़ोसी पंचायत सचिव पर लगाया है। ग्राम लमगाम के रहने वाले फहीमुद्दीन ने मुर्गा चोरी की शिकायत में लिखा है कि जमीन विवाद के चलते पड़ोसी सचिव ताज अहमद ने मुर्गा की चोरी की है, जिससे वो काफी दुखी हैं। परिवार के लोग भी चोरी गए मुर्गे को लेकर काफी परेशान हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो ने कहा कि शिकायतकर्ता फहीमुद्दीन और पड़ोसी ताज अहमद का जमीन विवाद को लेकर व्यवहार न्यायालय में केस चल रहा है। रंजिश के चलते शिकायतकर्ता की कच्ची छत को तोड़कर मुर्गा की चोरी की गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी। खतमन्नित वाला मुर्गा था जो धाम में चढ़ाने के लिए वो जो वहाँ ईशान में चढ़ाने के लिए रखे थे, उसको करीब लगभग 4-5 साल का था। उसको रखे थे सर, क्या नाम, अपना लड़का उड़का का शादी भी करेंगे तो ये मोहब्बत साहब, मोहब्बत साहब मुराद साहब बाबा के दरबार पे जाएंगे और चढ़ाएँ सिर ने फाथिया। अरे तो दुखी तो हैं सर, मुर्गा के दुखी तो हैं। आवेदन में क्या लिखे तो हैं सर कि भाई मेरा मुर्गा चोरी हो गया इतने तारीख को। प्रेम का था सर, वही तो बता तो रहा हूँ कि उसमें वो उसमें चढ़ाने के लिए रखे थे, उसके मन्नत था हम लोग का। कहा था शादी ब्याह करते और जो है अपना वहाँ ले जाके जहाँ मन्नत मांगे थे वहाँ अपना चढ़ाते। अब तो हो गया सर, अब क्या करेंगे, अब नहीं है तो। फहीमुद्दीन जो कि ग्राम लमगांव चौकी रघुनाथपुर के निवासी, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है जिसमें जो ताज अहमद है जो कि लमगांव निवासी है और उनके द्वारा इन दोनों के बीच में जो है वो जमीन विवाद को लेकर के व्यवहार न्यायालय में केस चल रहा है। प्रार्थी के द्वारा यह शिकायत दी गई है कि ताज अहमद नाम के युवक ने जो है उनका जो कच्चा छत था उसको तोड़ करके मुर्गी चोरी की है, जिसमें कि आवेदन प्रस्तुत किया है कार्रवाई करने के लिए। उक्त संबंध में जो आवेदन है उसको तस्दीक करके उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।